दोस्तों आज के वीडियो में जानकारी देंगे मैप के द्वारा भागलपुर से देवघर रेल लाइन के बारे में और इस रूट पर जो है विद्युतीकरण के लिए स्वीकृति मिल गया है, ये सब आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस रूट के बारे में। दोस्तों आप लोग जानते होंगे भागलपुर रेलवे स्टेशन बिहार में आता है और इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है मालदा टाउन और ईस्टर्न रेलवे में आता है भागलपुर। पहले रूट आपको बता दे रहे हैं, उसके बाद आपको ले चलेंगे बाबा के नगरी देवघर की तरफ। ये मुरारपुर की तरफ जो रेलवे लाइन जा रहा है सुल्तानगंज की तरफ, यह रेलवे लाइन जमालपुर होते क्यूल की तरफ जा रहा है और ये रेलवे लाइन डबल लाइन इलेक्ट्रिफाइड है। और भागलपुर से जो ये रेलवे लाइन इधर जा रहा है सबौर की तरफ, यह रेलवे लाइन जो है बरहवा होते मालदा टाउन को भी जोड़ता है और बरहवा से रामपुर हाट होते हुए हावड़ा की तरफ चला जा रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और ये रेलवे लाइन जो है डबल लाइन है, इस पर जो है भागलपुर से शिवनारायणपुर तक जो है CRS बचा हुआ है विद्युतीकरण का, बाकी जो है शिवनारायणपुर से उधर पूरा रामपुर हाट की तरफ और मालदा टाउन की तरफ रेल विद्युतीकरण हो चुका है। तो भागलपुर से जो ये रेलवे लाइन निकल रहा है ये हंसडीहा वाला रेलवे लाइन है और यही रेलवे लाइन जो है देवघर भी जाता है। चलिए जानते हैं ये रेलवे रूट जो है भागलपुर से जो ये निकल रहा है, पहले चलते हैं ये जो बरहट जंक्शन है। तो भागलपुर से बरहट होते हुए, ये बरहट से बांका होते हुए यह रेलवे लाइन जो जा रहा है, यही रेलवे लाइन जो है जा करके देवघर जंक्शन है, क्योंकि देवघर जंक्शन से जो ये रेलवे लाइन निकल रहा है इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। अगर वह वाला देखना है तो हमारे चैनल पर जाएं और देखें, तब आपको समझ में आएगा। तो यही देवघर जंक्शन होते हुए झसीडी जाएगा। तो झसीडी से आगे जो है इधर पूरा विद्युतीकरण है और ये लाइन जो है झसीडी से देवघर होते हुए जो ये पूरा बांका वाला रेलवे लाइन है ये भागलपुर तक जो गया हुआ है, इस मैप के द्वारा देखिए और समझिए। बरहट जंक्शन होते हुए ये भागलपुर तक जो लंबा रेल लाइन है, यही रेलवे लाइन का जो है विद्युतीकरण होना है और ये इसके लिए स्वीकृति मिल चुका है और ये 2022 के मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जब यह रेलवे लाइन जो विद्युतीकरण हो जाएगा तब मेमू जैसे ट्रेन, EMU जैसे ट्रेन जो है भागलपुर से झसीडी के बीच चलने लगेगी और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव हो जाने से यह होगा ये रूट कि समय की बचत होगी और भागलपुर से झसीडी देवघर जाना हो जाएगा आसान। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ एक बार फिर।